मजा नहीं आया। जय भीम, जय भीम। बस ये जो मैं 10-15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं ले लूंगा, वो मेरे भाषण हर वक्त सुनके सुनके आप लोग थक गए होगा, फिर भी ये जरूरी है कभी कभी कुछ कुछ चीजों जो होता है, जो समाज जो जो अभी जो हो रहा है देश का अंदर, उसके लेके कुछ तो बात रखना बहुत जरूरी है, खासकर यंग जनरेशन को। अब ये 4 अप्रैल को एक हमारा प्रधानमंत्री जो मोदी साहब ने एक वेस्टर्न कोर्ट के अंदर एक भाषण दे रहा, जब इस सरकार इनका सरकार ने दूसरा सरकार से कंपेयर करके ये बोल रहा था, भाई इस सरकार ने बहुत किया दलित लोगों को और दलित अंबेडकर के बहुत महत्वपूर्ण आइकन बनाया। वो ये भी बोला, भाई गवर्नमेंट वॉज वॉकिंग द पाथ ऑफ शोन बाय अंबेडकर, तो अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया उसी रास्ता में ही हम जा रहे बोला। क्या भाई उसी रास्ता ही हम जा रहे बोला, तो अंबेडकर ने हिंदुइज्म को खत्म करने के लिए बोला, आप लोग बाबा 5 बाबा लोगों को मध्य प्रदेश में मंत्री बनाया, क्या आप अंबेडकर के रास्ते में जा रहे हैं या उसका खिलाफ जा, ये पहली बात। दूसरा जो है आप लोग ये सोचना बहुत जरूरी है, भाई आप हम बाहर आना जरूरी है, जब अब तक हम जो आंख बंद करके घर में बैठा है, अभी वक्त है, इसी वक्त को हम इस वक्त को लेके हम आगे कैसे ये मूवमेंट को लेके चलना बहुत जरूरी है। अब खासकर वो जो यूनिवर्सिटी में जो जो कॉलेजेस में जब बच्चे बैठा है, आप लोग बाहर ना, पास में जो अंबेडकर ने जो लड़ाई किया, हमारा वो पहचान और हमारा आगे बढ़ने के लिए तो वही किया ना, तो हम अब हम नहीं किया तो कौन करेगा हमारे लिए, कोई भी नहीं करने वाला है। जो अब दूसरी चीज जो है ये उन्होंने बोला, एट द कोर ऑफ अंबेडकर आइडियाज इज हार्मोनी एंड टुगेदरनेस वर्किंग फॉर द पूरेस्ट ऑफ द पूर इन आवर नेशन। भाई आपका मिशन हमको पता नहीं है क्या, आपका मिशन जो अलग तरीके से मिशन है, आपको ये जो हार्मोनी एंड टुगेदरनेस वो वर्ड्स यूज किया ना, उसका पहले अर्थ समझ लो, वो क्या है, वो आप बुद्धिज्म से बुद्ध से सीखना बहुत जरूरी है, आपका दूसरा हिंदुइज्म से सीखना नहीं है, टुगेदरनेस हिंदुइज्म से कभी भी नहीं होगा। तो यही है अंबेडकर का वो बोले, अंबेडकर का वो जो इंपॉर्टेंट जो कन्वे, अंबेडकर कन्वे द मैसेज दैट द डे हिंदुइज्म और द डे आरएसएस कम्स इनटू पावर द कंट्री इज विल बी द बेस्ट, दैट्स व्हाट वी आर विटनेसिंग टुडे। नो कांट वी थिंक दैट नो दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आवर यंग जनरेशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर कम्युनिटी एंड टेक द नेशन अहेड, दैट्स व्हाट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो अरे भाई दलित यूथ ने जब वो प्रोटेस्ट हुआ, मार्च हुआ पिछले 2-3 दिन का पहले, नो देयर आर न्यूज व्हिच इज कमिंग दैट मेनी दलित यूथ आर बीइंग कैप्चर्ड एंड पुट इन टू द जेल्स एंड आर बीइंग टॉर्चर्ड। क्या हम 2-3 घंटा यहां पे बैठ के रिट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्यों भाई वो लोग क्यों टॉर्चर फेस कर रहा है, वो लोग क्यों इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, जितना भी लोग मर गया किसके लिए मरा, वो इज्जत के लड़के मरा, वो किसी छोटा छोटा चीज के लिए लड़के नहीं मरा, उसको ये लगा भाई जो संविधान लो जो बनाया अंबेडकर साहब ने, उन्होंने सोच समझ के ही बहुत तरीके से कोशिश किया, भाई हम इस रास्ते में ठीक कर सकते समाज को, बहुत अलग अलग तरीके से वो सोच समझ के फिर उन्होंने सोचा सिर्फ संविधान ही इसको बचा सकते, इस देश को, इस जो लोग पिछले लोग है इन लोग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ संविधान ही है, वही संविधान आज खतरे में है, वही जुडिशियरी संविधान के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है, वो SC ST अट्रॉसिटीज एक्ट को डाइल्यूट करने के लिए कोशिश किया, इसलिए हम कड़ा होना है। और ये जो प्रोटेस्ट का जो है ये बहुत अलग तरीके का प्रोटेस्ट है, ये मेरा पूरा मेरा हिस्ट्री में मेरा मूवमेंट वो दलित मूवमेंट का जो के साथ जो है पूरा हिस्ट्री में एक अलग तरीके से नजर आया, भाई फर्स्ट टाइम दलित केम ऑन टू रोड्स, भाई सिर्फ हम रोड्स पे ही है, अभी पार्लियामेंट तक पहुंचा तो तुम्हारा ठिकाना जीरो हो जाएगा, अब होने वाला है कुछ, आपके पास सत्ता है ये कर रहा है, कब तक करोगे, हमारा पास ताकत है तुम्हारा सत्ता को ऊपर से नीचे तक लाने के लिए, हमारा पास ताकत है, दलित मौजूद लोगों के पास ताकत, सिर्फ दलित मौजूद
मान के चलो महिला लोग माइनॉरिटीज लोग सब लोग आ गए, तो तुम्हारा परसेंट कितना है? तुमको यहां से बढ़ाएंगे हम, ये देश हमारा है, बहुजन लोग का है, ये जो है ये आप फियर साइकोसिस स्प्रेड कर रहे हैं। भाई कोई डरने वाले नहीं है हम, कोई डरने वाले नहीं है, जान देने वाले है। इस देश को आप पूरे गांव का बारे में पता है, यू नो दैट नो रेजिमेंट्स अमेरिका से, वी आर वॉरियर्स भाई, वी आर वॉरियर्स, वी विल फाइट, वी विल फाइट डेमोक्रेटिकली, वी विल फाइट। आई एम नॉट सेइंग दैट अनडेमोक्रेटिकली यू नीड टू फाइट, संविधान है, संविधान को लेके आगे बढ़ता रहेंगे, कोई भी सामने आने के लिए हिम्मत नहीं होगा। और दो तीन चीज ऐसा है तो क्या वो भी फिर भी बोला मैं को अभी वो बोला नहीं, हम वहां पे बड़ा अंबेडकर इंटरनेशनल बनाया, यहाँ पे एक अलीपुर रोड पे कुछ बनाया, भाई दो मंजिल बना के हमको खुशी करने आए, दो टॉयलेट्स या टॉयलेट्स मंजिल बना के हमको सबके साथ सबका विकास बोला, तो हम माने के लिए तैयार नहीं है, हमको इज्जत का जरूरी है। भाई मंजिल बनकर तुम ये मत बोलो भाई हम इतना बड़ा किया, क्या किया तुम, क्या हमारा लोगों को मार मार के भगा के मार रहे क्या, वही है क्या तुम्हारा सबका साथ सबका विकास? कहां गए आप तुम्हारा वो 4 साल का पहले का भाषण सबका साथ सबका विकास, अभी क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारा मुंह से? हम सवाल कर रहे हैं, जो एक्ट का अंदर मैं 5 मिनट बोल के मैं खत्म करूं, जो अभी जो एक्ट आया पता नहीं आप लोग कितना लोग पढ़ा नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ना बहुत जरूरी है। अमेरिका ने एक ही चीज बोला भाई साहब, लॉ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्पेशली दलित्स फॉर ऑल द पीपल, आई मीन इट्स जस्ट दैट व्हाई लॉ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, इट इज प्रिसाइजली बिकॉज इट विल मेक यू टू नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सो एससी एसटी एक्ट ने का अंदर वो जो हमको प्रोटेक्शन देने के लिए इतना वो जो वो वो था उसको पूरा, अभी जो जजेस ने ऑब्वियसली वो जो ब्राह्मणिकल जजेस है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हम इंस्टीट्यूशंस का हम कादर हमको बहुत रेस्पेक्ट है, जुडिशियरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, पर एक चीज है उसका अंदर जो कब्जा करके बैठा ना उसी से हमको प्रॉब्लम है, वो जो ब्राह्मणवाद है उसी से हमको प्रॉब्लम है। क्या उस ब्राह्मणवाद को अंबेडकरिज्म से हम टकरा नहीं दे सकते? जरूर दे सकते, जब हम पढ़ लिख के समाज के बारे में सोच के वापस जाके इस 4 रूम का अंदर बहुत बार बोलता हूं भाई, ये इस भाषण सुन के अच्छा ये बहुत बढ़िया बोला मुझे नहीं चाहिए भाई, ये मुझे नहीं चाहिए, बाहर जाके आप घर में अंबेडकरिज्म शुरू कर लो, इक्वालिटी घर में शुरू करो, बाहर आ जाओ तभी संविधान का एक मीनिंगफुल होगा। अंबेडकर राइट बनने के लिए एक तरीका होता है, जो वो जो जजमेंट का अंदर वो जो बोलता है, वो जो जज बोलता है वो वी आर ऑल इमोरल पीपल, इनलीगल पीपल, अनस्क्रूपुलियस पीपल। जो एससी एसटी एक्ट का जो अंदर हम भाई 5% को लेके तुम रो रहा है, पिछले हजारों साल से हम आपका शोषण से हम रो रहा है, क्या तुमको ये नजर नहीं आ रहा है? 5% को लेके हमको अनस्क्रूपुलियस बोलता है, हमने अनस्क्रूपुलियस, तुम है अनस्क्रूपुलियस, जो जजमेंट दिया उन्होंने अनस्क्रूपुलियस, इसका मतलब क्या है? और जो है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लैकमेल, ब्लैकमेल कौन करता है हर बार इन सोशल बायकॉट के नाम से गांव में ब्लैकमेल कौन करता है, ऑफिस में ब्लैकमेल कौन करता है, क्या दूसरा तरीका से ब्लैकमेलिंग नहीं होता है समाज के अंदर? सिर्फ यही ब्लैकमेलिंग होता है हा? वो जो जज का सिर्फ जो एससी एसटी जो अट्रोसिटीज वो जो फाइल होता है उसी को लेके ब्लैकमेलिंग बोलता है वो, एंड ऑल्सो इज एन पर्सनल वेंजेंस। एंड सेकंडली द स्कोर, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू बिकॉज़ यू नो वी फाइल फॉर फॉल्स केसेस अगेंस्ट दीस यू नो कास्टिस्ट फोर्सेस इन द यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज का अंदर देख लो, मैं 10 यूनिवर्सिटीज का पढ़ रहा हूं अभी, इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारा बच्चे के ऊपर, प्रोफेसर लोग ओके साथ जो पढ़ता है बच्चे लोग इंक्लूडिंग एवरीबॉडी ऑल स्टेकहोल्डर्स इन द यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है तो साधारण भारत सोसाइटी का अंदर कितना होता है आप समझ लो, कितना होता है आप समझ लो,
कर रहे तो तुमको प्रॉब्लम है, आप लोग पर्सनल कोर्स सेटल कर रहे तो तुमको प्रॉब्लम है। ये गलत बात है। और जो है कुछ कुछ चीज मैं आई एम नॉट गोइंग टू से दैट, वो तो कन्विक्शन रेट है। कन्विक्शन रेट ना मीन जो आप वो जो जजमेंट देगा तो सब आपको पता चलेगा। 2.25% is becoming conviction rate, but the rest of the percentage कहाँ जा? क्यों? क्या judiciary के अंदर को कुछ problem है? No, I'm questioning. I mean the people who are sitting in the judiciary and who are giving such kind of judgment is the problem. For me, no, it's that's not at all. I mean the issue is something different. ये जो जो इतना जो घटना हो, जो घटना जो है कारण चढ़ो चुंडो वेट पेटा लकिन पे जज्जर बिजपुर उन्ना सारनपुर कैलाजी जहानाबाद लक्ष्मणपुर में देखो पूरा और है नाम नाम आप परसों भी देखो वो कोई अंबेडकर का रिंगटोन रखा तो भी तुमको प्रॉब्लम, उसको मारा दिया तुमने भाई। क्या अंबेडकर इतना डरा रहे तुमको? डरा रहे तो तुम डरते रहो, बाहर बताओ। अंबेडकर सिर्फ आप अंबेडकर स्टैचू अंबेडकर का रिंगटोन डर रहे तो मतलब इसमें इसका अंदर कितना ताकत है आपको सब समझ आओ। हमको यही हिम्मत देता है आगे लेके जाना मूवमेंट। कभी भी पीछे मत देखो, अंबेडकर कभी भी पीछे नहीं देखा भाई। क्या हम सब लोग एटलीस्ट अंबेडकर को, अंबेडकर ने जितना किया उसमें 1% नहीं करेंगे हमारा समाज के लिए, हमारा वो आइडियोलॉजी के लिए? जैसे मंत्री साहब बोल रहा था, ये जो मंदिर को छोड़ दो, आप मंदिर को हटा लो तुम्हारा मन से, लाओ के संविधान को तुम्हारा मन का अंदर, तब आगे बढ़ेगा। मंदिर में डुबा रहा है हम जाके पैसे, हजारों रुपए जाके डुबा रहे, वो लोग पूरा पैसा कमा रहा है, उसी पैसे से पूरा वहां पे भगवान लोग बैठ के उसका झंडा जलाने के लिए सोच रहा है। हम नहीं जलाएंगे, हम नहीं जलाएंगे। और भाई एवरीडे एंक्रोचिंग ऑन आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बॉडीज, वायलेंस जो हो रहा है रूरल इंडिया का अंदर, रूरल इंडिया को अर्बन का अंदर भी भाई एवरीडे एंक्रोचमेंट, ह्यूमिलिएशन, डिग्रेडेशन, डिह्यूमनाइजेशन। दुखी का बात यह है, शर्म का बात यह है, एक जानवर ज्यादा है तुमको इंसान का सामने। क्या सबके साथ सबका विकास ऐसा होता है? नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। शायद कोई कुछ लोग यहां पे आके बैठ के वो वहां तक लेके जाना बहुत जरूरी है, मामला इंफॉर्मेशन लेके जाना बहुत जरूरी है भाई। बहुत कैसे किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से क्या आंदोलन को आगे लेके जाना बहुत जरूरी है। सर मैं और 5 मिनट 2-3 मिनट सर, आपने करप्शन की जो आग आपके अंदर दिख रही है ना, ये बुझनी नहीं चाहिए। ये कभी भी नहीं होगा सर। वैसे सर्टिफिकेट लिए से फैकल्टी का रूप में यहाँ पे है, उसका पहले स्टूडेंट मूवमेंट का रूप में मैंने अंबेडकर एसोसिएशन का वो फाउंडर मेंबर था, वहां से यहां तक अभी भी है। शायद जब तक मेरा वो द लास्ट ब्रेथ, आई विल माय लास्ट ब्रेथ, इट वुड बी देयर एंड इट विल बी देयर, नो डाउट। एंड राइटली बाबा साहब ने क्या बोला भाई, हमको वी डोंट हैव ए होमलैंड, वी डोंट हैव ए होमलैंड। एक सेंटेंस का आप 10 पीएचडी थीसिस कर सकते हैं। बच्चा कितना दर्द से वो कितना सोच समझ के उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, आप लोग सब सोचना है। आई डोंट हैव ए होम लैंड, व्हाट डज इट मीन? बिकॉज आई एम नॉट रिस्पेक्टेड इन दिस लैंड, आई एम नॉट ट्रीटेड एज अ पीपल इन दिस लैंड। सो दैट इज व्हाई ही सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस इज नेसेसरी फॉर एवरी सिटीजन हु विल बिकम द पर्सन हु एंजॉयज द फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री। दैट इज व्हाई आई मीन अंबेडकर को भी एंटी नेशनल बनाया, अंबेडकर साहब अंबेडकरवाद लोगों को भी एंटी नेशनल बना रहा है। द स्काउंडल्स आर डिफाइनिंग नेशनलिज्म टुडे, शेम ऑन यू नो दिस पीपल, दोस डजंट नो व्हाट इज नेशन, दे आर डिफाइनिंग नेशन टुडे। भाई हमारा साथ एंगेज करो, अंबेडकरवाद लोगों के साथ एंगेज करो, आपके पास हिम्मत है तो समझाएंगे आपको क्या नेशन है, समझाएंगे आपको क्या इक्वालिटी है, समझाएंगे आपको क्या अदर काइंड्स ऑफ नो वैल्यूज इन दिस सोसाइटी। वायलेंस इन एनी
इकोनॉमी इज कंडेमनेबल बाय बाय वायलेंस तो हम कभी भी तारीफ नहीं कर बट वट द सेम यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट अंबेडकर सेड बाय इफ कॉन्स्टिट्यूशन फेल्स कॉन्स्टिट्यूशन विल नेवर फेल जो लोग इंप्लीमेंट कर रहा है लोग कॉन्स्टिट्यूशन को वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फेल कर रहा है वही था अंबेडकर का मन में वही था भाई व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्स यू ब्लो आउट द कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से ब्लो आउट करना वो नहीं डिफेंड किया वो ऑप्शन आपको ही छोड़ दिया वो ऑप्शन आपको ही छोड़ दिया एंड दैट इज द व्हाट द ब्रेथ और द एंगर दैट इज बीइंग यू नो विटनेस ऑन 2nd दिसंबर जब वो भारत बंद कब बुलाया दैट वो जो गुस्सा वो जो तर्क वो जो the quest for you know dignity the quest for justice that is the big test I mean and that is where I don't know I mean professor Kancha Ayala right ek uska kitab mein bola post Hindu India ka andar by this nation will head for civil war wo jo Rajasthan mein to MLA ko logon ka wo jo ghar jala raha counter violence hai we don't know there might be some way counter violence so the civil war means ahead and we all need to be as a you know If they fail, what is left for Dalits? The constitution fails. The only thing is which is left is, you know, you have to fight on roads. That's it. Reservations ka baare mein main nahi bolunga. Do teen cheez wo ideological consolidation which is necessary. By act ka andar bahut hai aap log shayad dusra matlab log bhi bolega. Jo ye jo act jab hum abhi nahi ladenge to and jaise कुछ तो कुछ होगा 14th को या 13th को कभी कुछ तो कुछ होता रहता है कोई भी एक भी अगले दिन मैं मंत्री जी को सुन रहा था पहले मंत्री पहले ये जब मैंने सर मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मंत्री जी लोगों से बहुत दूर रहता हूँ बट नहीं तो आपसे बहुत कंफर्टेबल है एक ही चीज का कंफर्टेबल है जो मंत्री जब मैंने पहले मिला उन्होंने जी भी बोला उसका ऑफिस का अंदर किसी राज्य किसी पोलिटिकल पर्सनालिटी का फोटो नहीं है उसका ऑफिस का अंदर बुद्ध का और अंबेडकर का ये सच है दिल बोल के बोले लोग बहुत कम है देखा ना बहुत कम है मैं देखा पूरा बहुत एमपीस को भी वो न्यूज क्लिपिंग्स में देखा नहीं 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 हम लड़ेंगे हम क्या मैं लड़ेंगे तो पार्लियामेंट से बाहर आ जाओ रिजाइन करो तुम्हें तुमको हमारा It's not that they are anti-national or some other, you know, which the other, you know,
पीपल आर नॉट बोल रहे आई कम इन. कितना दिन हम गुलामी रहेंगे बताओ? कोई यहां पे है रूम में गुलामी करने के लिए तैयार है यहां पे? हाथ उठाइए प्लीज. कोई भी नहीं है ना, इसलिए फूले साहब ने वो गुलामगिरी का किताब लिखा. पढ़ लो, पढ़ना जरूरी है. गुलामगिरी नहीं करेंगे हम. भाई हमारे पास ताकत है, शक्ति है. बहुत लोग हैं पॉलिटिकल गुलामगिरी करना है अपने पार्लियामेंट में बैठ के. सॉरी सर, आई स्पीक लाइक दिस ओनली, आई डोंट नो व्हाई आई स्पीक लाइक दिस. बहुत है एकेडमिक्स यूनिवर्सिटीज का अंदर गुलामी करने लोग. भाई सांसद को, मिनिस्टर एचआरडी को, पिछले दो तीन दिन से देख रहा हूं कोई वहां से लोग लिखा अंबेडकर और संघ के बीच में क्या बहुत रिश्ता है. भाई अंबेडकर और संघ का रिश्ता जो है वो बुद्धिस्ट संघ का है. इस संघ के रिश्ते कभी भी नहीं चलता है. अंबेडकर इस संघ से कभी भी नहीं चलता. ये खिलाफ है. वो हमारा दलित प्रोफेसर से लिख रहा है ऐसे. क्या ये गुलामगिरी नहीं है? ऐसा लोगों को सबक सिखाओ. ऐसा लोगों को सबक सिखाओ. भाई आप लोग, यू आर नॉट टेकिंग द स्ट्रगल अहेड. यू आर ऑल अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनैलिटीज. दलित को फुट सोल्जर्स बना रहे हैं ये आरएसएस ने. कभी भी नहीं होना. ओबीसी को हमारा साथ लेके चलेंगे हम. माइनॉरिटीज को हमारा साथ लेके चलेंगे हम. महिला को हमारे साथ लेके चलेंगे. ये जितना भी लोग मैंने बोल रहा, they are all the victims of this bloody cultural hegemony. और जो लास्ट है, क्या कुछ नहीं है, मैं बहुत है बोलने के लिए, पर मैं एक ही चीज लास्ट में बोल के चले जाऊंगा. भाई खाने खा के घर में बैठना सबको अच्छा लगता है, सिनेमा देखना अच्छा लगता है, गॉसिप करना अच्छा लगता है, फेसबुक मोबाइल में घंटों घंटों स्पेंड करना अच्छा लगता है. 14th को या 13th या 14th को कुछ तो मैसेज आएगा आपके सामने. कोई भी घर में नहीं रहना. पूरा दिल्ली सड़क एक ही नारे से, जब तक दिल्ली सड़क एक ही नारे से वो जो आवाज नहीं उठाएंगे हम, हमारा कम्युनिटी को, हम हमारा सेल्फ को ग्रो करके. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन गवर्नमेंट.